रूस यूक्रेन जंग में एक बार फिर पुतिन की सेना हावी हो गई है। हाल ही में ज़ेलेंस्की की सेना अपने ही शहर से पीछे हटकर जान बचाकर भागती दिखी। इस पर पश्चिमी देशों समेत नाटो देशों की काफी किरकिरी हुई है। अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों और नाटो की मदद के बावजूद यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा करना पुतिन के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन को समय रहते हथियार मुहैया ना करा पाने के चलते रूसी सेना को सफलता मिली है। हालिया घटनाक्रम के बीच नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को सख्त संदेश दिया है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन रूस के अंदर सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ नाटो से प्राप्त F-16 लड़ाकू जेट का उपयोग करने के लिए आजाद है। यूक्रेन को रूसी हमले के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है, जिसमें यूक्रेन के बाहर वैध रूसी सैन्य लक्ष्यों पर हमला करना शामिल होगा। खास बात है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो के महासचिव ने ये नहीं बताया कि वास्तव में वादा किए गए F-16 जेट यूक्रेन को कब मिलेंगे। दरअसल रूस से लड़ रहा यूक्रेन लगातार F-16 लड़ाकू विमानों की मांग कर रहा है, बावजूद इसके यूक्रेन के हाथ खाली हैं। पश्चिमी देशों की ओर से महज वादा किए जाने की ही बात सामने आती रही है। वैसे डेनमार्क और नीदरलैंड दोनों ने अपने को जेट देने का वादा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जेट की कुल संख्या 42 बताई है। ऐसा दावा किया जाता है कि पश्चिम में प्रशिक्षण लेने वाले पहले यूक्रेनी पायलटों ने दिसंबर में यूके में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि F-16 देने का वादा करने वाले प्रत्येक नाटो सदस्य की अलग अलग नीतियां हैं। ऐसे में सभी देश खुद इस पर फैसला लेंगे। यदि पायलट अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पर्याप्त रखरखाव और सहायता दल उपलब्ध है तो उनका अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें डिफेंस एक्सपर्ट की बात तब सुननी होगी जब हम तैयार होंगे या जब सहयोगी F-16 भेजना शुरू करने के लिए तैयार होंगे। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। ऐसा दावा भी किया जाता है कि अमेरिकी हालात में बने इन जेट का डिजाइन अलग है। इसे यूक्रेनी रनवे से ऑपरेट करने में खासी कठिनाई हो सकती है। अटकलें लगाई जाती हैं कि इसे पोलैंड, रोमानिया या बाल्टिक देशों से उड़ाया जा सकता है। इस पर रूस ने बार बार चेतावनी दी है कि इस तरह की तैनाती से संघर्ष बढ़ेगा, यहाँ तक कि परमाणु युद्ध का खतरा भी हो सकता है।